सुप्रभात दर्शकों, स्वागत है आपका आज के राशिफल में। कैसा रहने वाला है आज आपका दिन, क्या कहते हैं आपके सितारे और किन बातों से आज आपको रहना चाहिए सावधान, आइए जान लेते हैं 20 अगस्त 2023 का राशिफल। ज्वाइन महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी फॉर प्रोग्राम्स लाइक फार्मेसी, डी फार्मा, बी फार्मा, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, फिजियोथेरेपी, लॉ एंड रिसर्च प्रोग्राम्स। फॉर एडमिशन कॉल 8800697058। सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों, आज आपका दिन अच्छा बीतने वाला है, लेकिन आज आपको अपने पेशेवर लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके पास बहुत काम आ रहा है। जब भी संभव हो अपने संभावित जल्दबाजी और जल्दबाजी के कार्यों से बचना आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज आपको कई अवसर प्राप्त भी होने वाले हैं और आज आपको अपने परिवार का भरपूर सहयोग भी मिलेगा। अब अतिरिक्त धन को दूर रखने का समय नहीं है, इसीलिए धन बचाने की कोशिश करें। नकारात्मकता को दूर रखना आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों, आज आपका दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है, आज आपको पैसों की दिक्कत भी हो सकती है, इसलिए आज आपको पैसों के मामले में एक स्मार्ट विकल्प ढूंढने की आवश्यकता है। वृषभ राशि के जातकों, आज आपको ऐसे लोगों से दूरी बनानी चाहिए जो कि आपके बारे में गलत सोचते हैं। आज आपको समाज में सम्मान भी मिलेगा, आज आपको नए पेशेवर अवसर भी प्राप्त होने वाले हैं। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों, आज आपके द्वारा किए गए कठिन प्रयास रंग लाने वाले हैं। कार्यस्थल पर दूसरों की तुलना में आपके मूल विचारों के लिए आपकी अधिक प्रशंसा आज की जाएगी। आज आपका आत्मविश्वास भी हाई रहेगा और आज आपको आय के नए स्रोत भी मिल सकते हैं। आपके परिवार में आज सुख शांति बनी रहेगी और आज आपको कई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं जिसे आपको निभाना ही पड़ेगा। अगर आप प्यार में है तो अपने रिश्तों को आज आप नई ऊंचाइयों पर भी ले जा सकते हैं। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों, आपको निराशा को अपने मन में आज नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि निराशा आपका आज नुकसान कर सकती है। आज आप कई कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे और आज आप अपने कार्य को लेकर प्रतिबद्ध भी रहने वाले हैं। कर्क राशि के जातकों, अगर आप अविवाहित हैं तो आज आपके लिए रिश्ता भी आ सकता है। कर्क राशि के जातकों, आज आपका दिन काफी अच्छा बीतने वाला है। अगर आज आप कहीं यात्रा करने की सोच रहे हैं तो आज आप यात्रा भी कर सकते हैं और करियर की नई संभावनाएं भी आज आपके लिए खुल सकती हैं। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों, आज आप अपने कार्यों को लेकर प्रतिबद्ध रहने वाले हैं। आज आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अपने मन के पहियों को आपको थामने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार मन जो है वो गलत चीजों में चला जाता है जिससे आपका नुकसान होता है। इसीलिए अपने मन के रथ को आज आपको थामने की आवश्यकता है। सिंह राशि के जातकों, अपने विचारों को आज अमल में लाएं। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आने वाला दिन आपका काफी अच्छा बीतने वाला है। सिंह राशि के जातकों, आज आपको अपने जीवन पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है और जोश के साथ अपने लक्ष्यों का आपको आज पीछा करना चाहिए। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों, आज आपको कई अवसर प्राप्त होने वाले हैं। आज आप अपने सहकर्मियों के साथ अच्छा दिन व्यतीत करेंगे और कई बातों पर विचार विमर्श भी आज आप करने वाले हैं। कन्या राशि के जातकों, अगर आप व्यवसायी हैं तो आज आप अपने रोजगार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए कोशिश करने वाले हैं। लव लाइफ में आज आपके सामंजस्य बना रहेगा और यदि आप शादीशुदा हैं तो आज आप अपने बच्चों के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। कन्या राशि के जातकों, रियल इस्टेट एक अच्छा विकल्प है, इसमें आज आप निवेश कर सकते हैं। कन्या राशि के जातकों, आज आपका पारिवारिक वातावरण सहायक और आनंदमय बना रहेगा। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों, आज आप अपने प्रयासों से कठिनाइयों को दूर करने में सफलता हासिल करने वाले हैं। आज आपको लोगों से बातचीत करने की आवश्यकता है। आज आपको दूसरों की परवाह भी करनी चाहिए और अपने बारे में भी सोचना चाहिए। तुला राशि के जातकों, आज आप अपने विचार को दूसरों के सामने प्रकट करने से पहले इस बारे में जरूर सोचें। तुला राशि के जातकों, आज आपको कोई अच्छी खबर सुनने को भी मिल सकती है और बड़े पैमाने पर निवेश पर अगर आप विचार कर सकते हैं तो आज का दिन काफी अच्छा है। आज आपको आय के नए स्रोत भी प्राप्त हो सकते हैं। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों, आज आपके परिवार और कार्यस्थल पर असहमति बन सकती है। मीडिया और प्रकाशन उद्योग से संबंधित परियोजनाओं पर काम करने का आज शानदार दिन है। वृश्चिक राशि के जातकों, आपकी ओर से पैतृक संपत्ति का आज चुनाव हो सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों, आज आपको अपने पैसे को समझने की आवश्यकता है। आपको नौकरी और गृह जीवन के बीच संतुलन बनाना होगा। वृश्चिक राशि के जातकों, समय से पहले योजना बनाकर आज आप अपने योजनाओं को सफल कर सकते हैं। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के जातकों, आज आपको अपने रिश्तों को लेकर संभल कर रहना चाहिए। आपके रिश्तों को संतुलन में बनाए रखने के लिए आपके द्वारा आज कोशिश भी किया जा सकता है। धनु राशि के जातकों, अपने परिवार और करीबी दोस्तों के साथ आज आप घूमने भी बाहर जा सकते हैं। आज आप सही विचार क्या है इस बारे में भी जरूर सोचेंगे। धनु राशि के जातकों, आज आपका दिन अच्छा बीतने वाला है। अपने कठिनाइयों को दूर करने के लिए आज आप नई योजना भी बना सकते हैं। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों, आज आपको नौकरी के लिए एकाग्र होने की आवश्यकता है। अगर आप काफी दिनों से नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आज आपकी मेहनत रंग ला सकती है। अभी प्रयास करना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। मकर राशि के जातकों, आज आप अपने अधिकारियों की विशेषताओं पर ध्यान देंगे और उनसे काफी कुछ आज सीखेंगे भी। मकर राशि के जातकों, अगर आप काफी दिनों से धन की किल्लत से जूझ रहे हैं तो आज आपकी ये परेशानी समाप्त हो सकती है। मकर राशि के जातकों, इस तरह आज आपका दिन मिलाजुला कर अच्छा ही बीतेगा। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों, आज आपको अपनी आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना जरूरी है। सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है कि आप अपने खुद का पैसा बचाएं। कुंभ राशि के जातकों, आज आप अपने पार्टनर के साथ
अच्छा समय व्यतीत करने वाले हैं और आज आपके घर में खुशियां भी दस्तक देंगी। कुंभ राशि के जातकों, आज आप अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में संतुलन बनाने की भी कोशिश करेंगे। कुंभ राशि के जातकों, आज आपको अधिक आत्म आश्वासन भी मिलेगा जिससे आप काफी उत्साहित भी रहेंगे। अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों, आज आपका दिन अच्छा बीतने वाला है, आज आपका दिन संतुष्ट बना रहेगा। मीन राशि के जातकों, आज आपको अपने परिवार की बातों पर ध्यान देना चाहिए और बैठकर किसी मुद्दे पर बातचीत जरूर करनी चाहिए। मीन राशि के जातकों, आज आपके परिवार में कोई नया सदस्य आ सकता है, इसके लिए आपको आज तैयार रहना होगा। मीन राशि के जातकों, आज आपको कई बातों को गंभीरता से लेना चाहिए और अपने प्रयास करने की जो आपकी आदत है उसे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपको प्रयास से ही सफलता मिलने वाली है। तो दर्शकों, ये था 20 अगस्त 2023 का राशिफल। ये राशिफल आपको कैसा लगा, आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए साउथ ब्लॉक डिजिटल। नमस्कार।